अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे दीन में मस्जिद का मकाम सिर्फ इबादतगाह नहीं है बल्कि कम्युनिटी सेंटर है। पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, हम मेटाफोरिकली कह सकते हैं कि वो मस्जिद नबवी की बेटियां हैं, और जो कुछ मस्जिद नबवी में होता था, तमाम मस्जिदें इस बात की मुकल्लफ हैं कि उनमें वो एक्टिविटी हो। वो ज़माना जब मस्जिद नबवी की छत से पानी बहता था, ये वो ज़माना था जहां उस छत के नीचे बैठकर पूरी दुनिया के सियासत के फैसले होते थे, मालियती निज़ाम को डिस्कस किया जाता था। मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर थी, औरतें मस्जिद में आती थी पूरी दुनिया में। खुदा खबर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है कि ख्वातीन का पूरा पर्दे का लिहाज रखते हुए एक पूरा का पूरा सेक्शन बनाया जाता है और ख्वातीन वहाँ नमाज पढ़ती हैं। मैंने ऐसा अमरीका में देखा, बरतानिया में देखा, नॉर्वे में देखा। हरम में मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ती हैं, मस्जिद नबी में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं। हमारे यहाँ भी हमारी ख्वातीन को मस्जिद से जुड़ना है। ख्वातीन को मस्जिद से इसलिए भी जुड़ना है कि उनकी कोख से और उनकी गोद से उम्मत मुस्लिमा की का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो मस्जिद एक्चुअली एक कम्युनिटी सेंटर है। इस कॉन्सेप्ट के तहत फ्री कुरान एजुकेशन के फ्लैग के नीचे कम्युनिटी मॉस्क ज़ेर तामीर है, और मुझे पता लगा है कि अब उसकी सिर्फ छत रह गई है, और ये सब के सब हमारे बहनों और भाइयों की फराख दिलाना मदद की वजह से हुआ। ये मदद असल में उन सब ने अपनी की है, क्योंकि ये सब अल्लाह के ख़जाने में इकट्ठा हो रहा है। तो मुझे पता चला है कि सिर्फ 4,40,00,000 रुपए मज़ीद दरकार है जिससे उसकी छत मुकम्मल हो जाएगी। तो मुझे ये कहा गया और मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये बात कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अगर मेरी आवाज़ के ऊपर लोग कम्युनिटी मस्जिद की इस छत को मुकम्मल होने में कुछ मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया।